हिमाचल प्रदेश में बिगड़ते आर्थिक हालातों के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगा है। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार राज्य की बिगड़ती आर्थिक सेहत के लिए पूर्व की जयराम सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन जयराम ठाकुर वर्तमान कांग्रेस की गलत नीतियों और फिजूल खर्चे को जिम्मेदार बता रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आर्थिक संकट के बीच हिमाचल बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन की तनख्वाह में 1,00,000 रुपए की बढ़ोतरी पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष ने बिगड़ती आर्थिक स्थिति में चेयरमैन की सैलरी बढ़ाने और मंत्री CPS की 2 महीने की सैलरी विलंबित लेने जैसे फैसलों को हास्यास्पद बताकर सवाल खड़े किए हैं। जो हालात हिमाचल प्रदेश के बनते जा रहे हैं उसमें एक बात तो तय है कि ऋण लेने की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है और मुझे लगता है कि इस साल के दिसंबर के महीने तक हिमाचल 1,00,000 करोड़ कर्ज के नीचे होगा। अभी तक 90,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर ऋण हो चुका है और जिसमें जो मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऋण का जिक्र करते रहते हैं। कंपैरिजन में आप देखें आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल के कार्यकाल में 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया और कांग्रेस ने अभी 20 महीने के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 24,176 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया है। यानी कि जितना हमने 5 साल में लिया उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा ऋण उन्होंने 20 महीने में ले लिया और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। इस बात को लेकर के हमको मान करके चलना पड़ेगा और हैरानी तो इस बात को लेकर के है कि जो कर्मचारियों की जो भविष्य निधि होती है, जो GPF होता है, जिसको कर्मचारी अपने कठिन वक्त के लिए सुरक्षित रख करके काटता रहता है और उसमें से ही उन्होंने 2810 यानी कि 2,810 करोड़ रुपए जो है उनने उसके अगेंस्ट लोन ले लिया और कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। कर्मचारियों के लिए बार बार जो कहते थे कि मैं कर्मचारी हितैषी हूँ वो तो पोल खुल गई। 20 महीने के छोटे से कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी सड़कों पर आ गए और दूसरी बात, ना उनको DA मिला, ना उनको मेडिकल रिइंबर्समेंट का पैसा मिल पा रहा है, ना उनकी सैलरी समय पर मिल पा रही है और सोर्स कर्मचारियों की तो 6-6 महीने से नहीं मिल रही है। HRTC की जो सैलरी है वो समय पर कभी मिल ही नहीं रही है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को अगर हम देखें तो हिमाचल एक बहुत बड़े भयंकर आर्थिक संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के हमें हो रही है कि मुख्यमंत्री जी घोषणाएं ऐसी करते हैं जो हास्यास्पद स्थिति उनकी बना रही है। अभी हाल ही में उन्होंने हाउस में विधानसभा के सत्र में घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट मंत्री और CPS जो है 2 महीने के लिए सैलरी नहीं लेंगे। हमने सोचा कि 2 महीने की सैलरी काट दी, लेकिन जब मालूम पड़ा कि सैलरी काटी नहीं, 2 महीने बाद लेंगे, यानी कि 2 महीने के बाद वो 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, वो 3 महीने की इकट्ठा लेंगे।